बीएसपी विधायक के खिलाफ में एफआईआर दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि गोमती नगर थाने में शाह आलम के खिलाफ में एफआईआर दर्ज हुई है। मोबाइल पर चैटिंग करने समेत छेड़खानी का आरोप लगा है। पीड़िता ने बीएसपी विधायक के खिलाफ में एफआईआर दर्ज कराई है। मोबाइल पर जबरन चैट करने छेड़खानी का आरोप। कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करती है पीड़िता। मुबारकपुर आजमगढ़ से बीएसपी विधायक है शाह आलम। हमारे सहयोगी गगन फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गगन, क्या है पूरा मामला? देखिए, एक महिला ने एफआईआर दर्ज कराई है लखनऊ के गोमती नगर थाने में, जहां पर जिनका आरोप है कि मुबारकपुर आजमगढ़ से बसपा विधायक शाह आलम वो जबरन चैटिंग करते थे, उनसे छेड़छाड़ करते थे। साथ ही साथ उन्हें कई बार धमकाया भी है कि अगर शिकायत कहीं से की या किसी को बताया तो अंजाम बुरा होगा। इसी के चलते गोमती नगर थाने में एफआईआर दर्ज की है, जिसमें 354 और 506 धारा के साथ एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें छेड़छाड़ का मामला लगाया गया है। फिलहाल महिला का कहना है कि उसकी उस विधायक से जान का खतरा है, क्योंकि लगातार वो छेड़छाड़ कर रहा था, उससे जबरन असली चैट करने की कोशिश कर रहा था और मना करने पर उसको धमकाया जा रहा था। फिलहाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और मामला। गगन, नेताजी का क्या कहना है? देखिए, नेताजी फिलहाल मीडिया से बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन जैसे विजय से कि बसपा का ये कोई पहला मामला नहीं, इससे पहले बसपा नेता अतुल राय जो मौजूदा सांसद हैं, उनके भी आरोप लगा था कि उन्होंने एक महिला के साथ रेप किया था और उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था। दूसरे बसपा विधायक हैं शाह आलम, जिनके ऊपर एक महिला गंभीर आरोप लगा रही। फिलहाल विधायक अभी सामने नहीं आ रहे मीडिया। चलिए, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए गगन मिश्रा। तो हमारे सहयोगी जैसा कि बता रहे थे, ये है हमारे नेताओं का चरित्र। बीएसपी के एक नेता के ऊपर में एक महिला ने एफआईआर दर्ज कराई है कि उन्हें परेशान करता था, अश्लील मैसेजेस भेजता था और जान से मारने की धमकी तक उस शख्स ने दिया।